हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिसन प्लान अड्डा विथ अनदर लिसन प्लान। और आज मैं क्लास 6 का लिसन प्लान लेकर आई हूँ और विषय है गणित और प्रकरण है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होगा? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड, छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। थर्ड, छात्रों में सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ, छात्रों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना। और फिफ्थ, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता एवं महत्व की जानकारी देना। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में पहला लिखेंगे कि छात्र वर्ग के बारे में जान सकेंगे। सेकंड, छात्र वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एंड थर्ड, छात्र वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स। तो फर्स्ट प्रश्नोत्तर विधि और सेकंड आगमन विधि। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या क्या होगा? चौक, झाड़न, संकेतक, श्यामपट और चार्ट। छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। सो छात्रों को विभिन्न आकृतियों की जानकारी पहले से है। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल हम करेंगे कि छात्रों आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो छात्र का संभावित उत्तर हो सकता है क्रिकेट, कैरम बोर्ड, लूडो आदि। सेकेंड, कैरम बोर्ड में कितने किनारे होते हैं? तो छात्र का संभावित उत्तर होगा चार। थर्ड, कैरम बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो छात्र का संभावित उत्तर होगा वर्गाकार। तो इस तरह से हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के थ्रू जो हमारा चैप्टर नेम है वर्ग, वो निकल जाता है। नेक्स्ट, उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम लोग वर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक, क्रियाशीलन छात्र क्रियाशीलन, फोर्थ कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य और फिफ्थ कॉलम में लिखेंगे मूल्यांकन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखेंगे संकेत। तो छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी और उसके बाद यहाँ पे हम चार्ट के माध्यम से क्या करेंगे, पाठ की व्याख्या करेंगे। उसके बाद जो फिगर हमने इस चार्ट वर्क में दिखाया है उसे हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे कि चार बराबर भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं और जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी 90 डिग्री के होते हैं। फिगर में हम देख सकते हैं और लिखेंगे आगे कि भुजा ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू बी सी तथा कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। और विकर्ण इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक रहेगा वर्ग की विशेषताएँ। तो वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हम देखेंगे। फर्स्ट, वर्ग के चारों भुजाएं समान होती है। सेकंड, वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। थर्ड, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और फोर्थ, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे वर्ग किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे छात्र क्रियाशीलन। छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे हम संकेत के बाद छात्र ध्यान से सुनेंगे और चार्ट को देखकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद में हम लिखेंगे बगल में छात्र क्रियाशीलन में छात्र विशेष बातों को कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद छात्र संभावित उत्तर, विकासात्मक प्रश्न जो हमने किया
उसका उत्तर छात्रों ने क्या दिया, तो वो हम लिखेंगे वर्क किसे कहते हैं, तो यहाँ पे छात्र का संभावित उत्तर होगा ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू बी सी। या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि चार बराबर भुजाओं से घिरी बंदाकृति को वर्ग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछे थे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे छात्रों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो हम क्या लिखेंगे, निरुत्तर। नेक्स्ट है श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य में हम वर्ग का चित्र बनाकर उसे एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे, तो मूल्यांकन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वर्ग को वर्ग के चारों शीर्ष कोणों का योगफल क्या है, और सेकंड नंबर वर्ग की एक विशेषता बताइए। अब नेक्स्ट पेज में हम फिर से 5 कॉलम्स बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट कार्य और मूल्यांकन। तो पिछले जो प्रीवियस हमने देखा प्रेजेंटेशन, उसमें हमने छात्रों से पूछा था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो उनका जवाब आया निरुत्तर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे जो है वो है वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम आगे वर्ग का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में उसकी व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे जो भी आकृति जितनी स्थान घेरती है उसे उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे शिक्षण बिंदु में, वर्ग का परिमाप, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखेंगे व्याख्या। लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई को ही वर्ग का परिमाप कहते हैं, वर्ग के परिमाप का सूत्र, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होगा, वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 into भुजा। उसके बाद वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है उसका जो फॉर्मूला है वो होगा भुजा √2। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और नेक्स्ट लिखेंगे फिर कि छात्र बताई गई सूत्र को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक रहेगा उदाहरण। अब हम उदाहरण बच्चों को क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से इस चैप्टर वर्ग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सब टॉपिक नेक्स्ट है उदाहरण, जिसमें पहला प्रश्न हम करेंगे कि एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप याद करें। तो हल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है भुजा स्क्वायर, तो 4 मीटर यहाँ पे भुजा की लंबाई है, तो क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई याद करें, तो वर्ग के विकर्ण की भुजा की लंबाई का सूत्र क्या था, भुजा √2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 √2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे छात्र उदाहरण को समझेंगे और कॉपी पर उतारेंगे। नेक्स्ट श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य में हम वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम चित्र बनाएंगे, और उसके बाद चित्र में हम यहाँ पे चित्र बनाकर इसे समझाने का, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमने कैसे निकाला ये समझाने का प्रयास करेंगे, और श्यामपट कार्य में उसे दिखाएंगे। तो वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा क्या है, ए है, स्मॉल ए, तो इसलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो भुजा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हम फिर एक चित्र बनाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे, चित्र में जो है स्क्वायर बनाकर यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और डी, तो परिमाप, परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का योग, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, तो हम कह सकते हैं कि परिमाप इज इक्वल टू 4 into भुजा। अब नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यदि वर्ग की भुजा, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा मूल्यांकन। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न।
पुनरावृत्ति प्रश्न रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम करेंगे कि वर्ग की कितनी भुजाएं होती है। दूसरा सवाल करेंगे कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं। और सेकेंड नंबर में लिखेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। और फोर्थ नंबर में लिखेंगे कि वर्ग की किन्हीं दो विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है निरीक्षण कार्य। यहाँ पे निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे कि जब छात्र शाम पर कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगी, मतलब चेक करेंगी, देखेंगी। नेक्स्ट है गृह कार्य, मतलब होमवर्क। तो होमवर्क में हमारा होमवर्क होगा एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वर्ग स्क्वायर जो क्लास 6 का था वो यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे आपको लेसन प्लान दूं, आपको कैसा किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक पे लेसन प्लान जो है या उस सब्जेक्ट की लेसन प्लान बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।